इच्छा और इरादा दो ऐसी चीजें कि अगर इंसान को उसका अर्थ समझ में आ जाए तो वो अपनी जिंदगी को कहीं पर भी किसी भी हालत में चेंज कर सकता है। इच्छा का अर्थ क्या होता है? इच्छा, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे लिए कुछ करें। इरादा, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। जो लोग ये चाहते हैं कि लोग मेरे लिए कुछ करें, आपको लगता है वो कुछ करेंगे, और अगर करा भी, और उन्होंने अगर करा भी तो क्या होगा, जैसे ही मुसीबतें आने लगेगी उनकी इच्छा वहीं पर खत्म हो जाएगी। उनको लगेगा छोड़ो यार, मुझसे तो नहीं हो रहा है। इरादे का अर्थ क्या हुआ? इरादे का अर्थ यह होता है, इरादा है मतलब डिटर्मिनेशन, कुछ कर गुजरने की चाहत। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे यह करना है, यह आपका इरादा है, और अगर कोई मुसीबत आती भी है वहां पर क्या होगा, वहां पर आप इस चीज को समझ के रखोगे। इरादे का अर्थ क्या होता है कि मैं ऑलरेडी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को सोच करके चल रहा हूं कि अगर ये नेगेटिव पॉइंट आता है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, अगर ये नेगेटिव पॉइंट आता है इसका क्या सॉल्यूशन है, कहीं मैं घमंड तो नहीं करने लग जाऊंगा। ये है इरादे का पाठ। इच्छाएं क्या है? लोग मेरे लिए कुछ करें, मेरी पत्नी मेरे लिए कुछ करे, मेरा पति मेरे लिए कुछ करे, मेरे फादर मेरे लिए कुछ करे, मेरी मदर मेरे लिए कुछ करे। लोग मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करते? लोग मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं बनाते? लोग मेरे को भाव क्यों नहीं देते? लोग मेरे को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? ये जितनी भी चीजें हैं, दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू विश। ये विश है, ये डिजायर, बर्निंग डिजायर नहीं है, डिटर्मिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से इस चीज को समझे। अगर आपके मन में कुछ करने का इरादा है कि मुझे करना है, तो प्लीज अपने आप से झूठ मत बोले कि मैं कर लूंगा और वो इच्छा है, और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये भी इरादा ही है, वो इरादा नहीं है। जहां पर आप कहते हैं कि मुझे करना है, हो सकता है वो इच्छा हो। जहां पर आप कहते हो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं इस चीज को करके ही रहूंगा, करके ही दम लूंगा। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि अगर मैंने इसको नहीं किया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा जीते जी, तो क्यों ना करके मरूं, तो ये एक इरादा है। इच्छा क्या है? मुझे मेरे लिए कुछ करना है नहीं करना मुझे नहीं पता, पर मैं केवल एक चीज जानता हूं कि लोग मेरे लिए कुछ करें, ये दुनिया मेरे लिए कुछ करे। तो एक बहुत छोटा सा मुद्दा है गाइस, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पर एक ऐसी लाइन थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने किसी अच्छी सी बुक में पढ़ी थी कि इच्छा और इरादा, अगर इस लाइन के, इन दोनों शब्दों के बीच के डिफरेंस को हम समझ पाए तो गाइज इससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। इच्छा का अर्थ ये हुआ कि आप चाहते हैं लोग आपके लिए कुछ करें, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट। इरादा यह है मैं लोगों के लिए कुछ करूं, यू कैन ऑलवेज बी श्योर अबाउट इट। तो इस चीज को समझे आप कि जैसे ही इच्छा वाले लोगों में, जो लोग इच्छा रखते हैं, जिन लोगों के अंदर विश होती है, जैसे ही प्रॉब्लम आएगी किसी भी तरीके की, जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, मैं एक स्पोकन इंग्लिश टीचर हूं, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन लोगों के मन में इच्छा होगी कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, ठीक है, वहां पर एक्शन है उनका कि वो एक्शन करेंगे और वो इंग्लिश सीख जाएंगे। पर जिन लोगों के मन में इच्छा है कि मुझे परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है, अगर वो विश है, क्योंकि वो उनको उनके अंदर पता है, उनको उनके दिल में पता है, उनको उनके दिमाग में पता है कि ये इच्छा है कि इरादा है। अगर इच्छा है तो जैसे ही वो स्टेज पर आएंगे, उनके सामने प्रॉब्लम्स आएगी, तो वहीं पर वो लोग क्विट कर देंगे और हो सकता है वो क्लास से भाग जाएं, वो उस कंडीशन से ही भाग जाएं। यही सेम चीज इंसानों के साथ हुई पड़ी है, यही सेम चीज आज हमारे साथ लाइफ में हो रही है। जब भी हम लोगों को लगता है कि मुझसे नहीं सहा जा रहा है यार, अगर वो चीज इच्छा थी शुरुआत में जब उसको हमने चालू किया था, अगर फर्स्ट जो बीज है वो इच्छा का था, आप ऑन द स्पॉट उसको क्विट कर दोगे, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो पैसे कमाने की बात हो, चाहे कुछ बनने की बात हो, चाहे इंग्लिश सीखने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो इच्छा है आप उसको बीच में क्विट कर दोगे। पर अगर वो इरादा है तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप टिके रहोगे, आप एंड्यूरेंस अपना बढ़ाओगे, आप एंड्यूरेंट बनोगे, और इन द लास्ट यू विल सर्टनली गेट सक्सेस। तो ये बहुत छोटी सी चीज है कि हमें इच्छा रखनी नहीं रखनी है, हमें इरादा रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास में किसी चीज को लेकर के इच्छा है तो आप उससे रखें, पर धीरे 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 आफ्टर सम इयर्स आप उससे इरादा बना सकते हैं। पर आप उसको इरादा बना ही नहीं रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं ये नहीं होता, छोड़ो यार, ये नहीं होता छोड़ो, ये नहीं होता छोड़ो, ये नहीं होता छोड़ो, तो हो सकता है कभी आपको जिंदगी ही समझ में नहीं है और आप बोलो छोड़ो, और जिंदगी को छोड़ने को सुसाइड कहते हैं। इस चीज को समझ लें आप लोग,
तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स गाइस, इच्छा और इरादा। आज हमने दो चीजों के बारे में समझा। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सॉरी गाइस अगर आज मैं आपको थोड़ा सीरियस लगाऊं, क्योंकि मैं वास्तव में इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा सीरियस था और मैंने इस पर बहुत सिंसियरिटी से विचार किया और मुझे ये चीज लगी कि हाँ यार, इच्छा और इरादा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो एक ह्यूमन बींग को समझने चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ह्यूमन बींग हूँ जो अपने एक्सपीरियंसेस आपको बांट रहा है। प्लीज़ मोटिवेटर कहकर, टीचर कहकर ना तो शब्द का मजाक उड़ाएं ना मेरा मजाक उड़ाएं। मैं सिर्फ एक ह्यूमन बींग हूँ जो दुनिया के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल में लेते हुए, जैसे यूट्यूब, कैमरा, ट्यूबलाइट, लाइट, इन सभी को यूज में लेते हुए अपनी बात आप तक पहुंचा रहा है। अगर इसी चीज को मैं 50 साल पहले करना चाहता तो शायद वो चीज पॉसिबल नहीं थी, पर मैंने उस जगह पर जन्म लिया है, उस टाइम में जन्म लिया है जब यूट्यूब भी है, कैनन 80D कैमरा भी है, ट्यूबलाइट भी है, सारी चीजें हमारे पास में है, तो मैं इसे क्यों यूज में ना लूं। इसलिए मैं केवल अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं गाइस। तो आज हम लोगों ने सीखा इच्छा और इरादे के बीच का जो फर्क है वो। अगर आप इस फर्क को समझ पा रहे हैं तो थैंक्स अ लॉट, और आप प्लीज इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप वीडियो के अंदर कमेंट और लाइक भी कर सकते हैं, इससे हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट।